वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है यू डूइंग गुड एंड ग्रेट। आज बड़ा ही प्यारा वेदर है, यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैंने सोचा यार दो दिन से वीडियो नहीं डाली, एक दिन से हाँ फ्राइडे को वीडियो नहीं आई, हाँ एक दिन हुआ वीडियो नहीं डाली। तो मैंने कहा चलो यार आज अच्छी सी वीडियो लेके आते हैं, अब देखते हैं इस वीडियो में क्या है। टाइटल की तरफ आते हैं, साइबर सिटी मिनी यूएस ऑफ इंडिया डे इन रैपिड मेट्रो एक्सप्लोरिंग डायरीज एक्सप्लोरिंग टू एक्सप्लोर। तो देखें इस टाइटल तो बड़ा प्यारा है और साइबर सिटी है इंडिया की, अब दिखने में तो यही लग रहा है, अब देखेंगे तो क्या होगा वो आप मिलके साथ मेरे देखेंगे रिएक्शन, तो कहीं भी मत जाइएगा। तो आए मिलके ये वीडियो देखते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 एक्सप्लोरिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 42 रैपिड मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ रैपिड मेट्रो में जो कि है गुड़गांव में। तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि ये रैपिड मेट्रो है, बोर्ड थी मेट्रो, हमने ट्रेन बोर्ड कर लिए, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रैपिड मेट्रो है ये बेसिकली गुड़गांव में ही सिचुएटेड है और ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एरियाज को कवर करती है जो कि हैं जैसे साइबर सिटी और डिफरेंट कुछ सेक्टर्स हैं। तो बहुत इसका जो ट्रैक है दोस्तों बहुत ही साइबर सिटी में। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये अभी हमारा बेसिकली गोल्फ कोर्स रोड की है और यहाँ पे मेजरली सारे रेजिडेंशियल एरियाज और ये सब आपको मिल जाते हैं देखने को। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है यार नज़र आ। जो आपका दिल्ली मेट्रो है उसका भी आपका टिकट और पास इसमें वैलिड होता है। ये दोस्तों सारा रेजिडेंशियल एरिया है और कॉर्पोरेट ऑफिसेस का एरिया है ये जो आप देख रहे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव होगा ना ये बेसिकली, और देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स और काफ़ी ग्रीनरी को भी यहाँ बहुत ध्यान में रखा गया है और ये बहुत ही अच्छे एरिया से बेसिकली पास ऑन होती है मेट्रो जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इस मेट्रो में रश भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो फुटफॉल है इस मेट्रो में। अगर आप कभी भी आपको इसमें जाने का मौका मिला हो तो आप डेफिनेटली जाके देखिए जो कि एक बहुत अच्छी बात है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड एरियाज में जाती है इस वजह से। ये स्टेशन आ गया, ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं दोस्तों ये है फेज 1। ये डेवलपिंग डेवलप भी हो रहा होगा ना बहुत ज़्यादा। सिनेमास भी हैं साथ में। देख सकते हैं बहुत सारे जो कि सिचुएटेड हैं गुड़गांव में, प्लस काफ़ी मॉल्स हैं और काफ़ी रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं जो कि आप इस मेट्रो के थ्रू देख सकते हैं। और बहुत ही इसका बहुत ही नॉमिनल सा फेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड ये 8 to 10 स्टेशन ओनली कवर करती है। ये आप देख रहे हैं MR की बिल्डिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनी, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं सिकंदर, यहाँ पे इंटरचेंज होता है येलो लाइन और रैपिड मेट्रो लाइन के लिए। काफी जगह है अंदर, रश भी नहीं है इतना।
बाकी यार नो डाउट बहुत खूबसूरत बनाया गया, पूरे बीच में से लेके गए हैं और पूरा शहर नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं यहाँ पर, और मेजरली काफ़ी ज़्यादा आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखेंगी यहाँ पे, जो मेजरली कॉर्पोरेट ऑफिस का हब है। ये स्टॉप दोस्तों, ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं, स्टेशन का नाम है फेज टू। तो अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे की ओर। फेज टू नीचे शायद मंदिर है उस साइड। वाह यार, तो ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं साइड पर, इनका नाम है बेलवेयर टावर्स, जो कि इनका जो नियर बाय अब जस्ट मेट्रो जो हम पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट, उस स्टेशन के नाम है बेलवेयर टावर्स। वाह यार कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी देखें कि बिल्डिंग्स के चारों तरफ ग्रीनरी लगाई हुई है, ट्रीज ही ट्रीज है। एक चीज मैंने नोट की है कि यहाँ पे जो घर वगैरह वो भी मतलब बिल्डिंग्स टाइप ही बने हुए हैं सारे, रेजिडेंशियल तो है वैसे जो आम घर भी होते हैं। ओ यार क्या बात है, DLF ये कंपनी है, कोई फेमस कंपनी होगी शायद USV। ये देखिए दोस्तों, ये है सारा साइबर हब, और जिसको हम साइबर सिटी भी बोलते हैं, और जो यहाँ मेट्रो स्टेशन है उसका भी नाम है इंडसइंड, जो कि साइबर सिटी में ही है। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं इसको हम साइबर सिटी बोलते हैं। साइबर सिटी देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली आपका दिल्ली गुड़गांव और जयपुर हाईवे है बेसिकली, और आप देख सकते हैं, और ये सामने DLF की बिल्डिंग है। जबरदस्त यार, सारा भाई ने रोड दिखाया, ट्रेन में कोई भी नहीं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती इतनी ज्यादा। देखिए दोस्तों, ये सारा साइबर सिटी का ही एरिया है, यहाँ पे आपको DLF की बहुत सारे बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, प्लस काफ़ी सारे मेजर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। और इस मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। चलिए जबरदस्त बिल्डिंग है यार, साइबर सिक्योरिटी की तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बिल्डिंग है, साइबर सिटी है साथ, और साथ बिल्डिंग्स भी हैं, फ्लैट्स हैं। रेजिडेंशियल एरियाज भी साथ साथ है।
ये देखिए दोस्तों, ये दोनों रैपिड मेट्रो की लाइन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। देखिए आप, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए रैपिड मेट्रो। वाओ, अमेजिंग। मेरा ख्याल है वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, काफी लंबी वीडियो है इसकी। मतलब पहली वीडियो ये भाई की देख के नींद आ गई यार। ये पहली दफा हुआ कोई वीडियो मैं देख रहा हूँ, वीडियो देखते हुए मुझे नींद आ रही है क्योंकि भाई बताया बोल नहीं रहे कुछ भी। फिर गोलपुर से उड़ रही है दोस्तों, और की जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है जहाँ से हमने कैच की थी मेट्रो, ये वही मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 42-43। नेक्स्ट स्टेशन जो है दोस्तों सेक्टर 52-53 होगा। यहाँ देख रहे हैं सराउंडिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन कर रखा है इनको, जबरदस्त। ये गुरुग्राम वगैरह देख के ना, ऐसे भी सिनेमैटिक शॉट्स में तो ये देखने में मजा नहीं आ रहा। ऑल्दो के एरियाज बहुत प्यारे हैं, मगर ये के 4K सिनेमैटिक शॉट में तो क्या ही मजा आता देखो। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, चलते हैं रिव्यू की तरफ अपने। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और इसमें अगर देखा जाए तो यार ने मिनी यूएसएफ इंडिया इसका ये टाइटल उन्होंने रखा, और साइबर सिटी पूरे मेट्रो गुरुग्राम से लेके पहले फेज से लेके आगे तक जाते रह गए हैं। तो फिर उन्होंने वन बाय वन दिखाए हैं, रोड्स दिखाए हैं साइड पे। ऑल्दो इस पर मैंने वीडियो शायद पहले की है या नहीं की याद नहीं है मुझे, तो उसमें ये कि बड़ा प्यारा दिखाया बिल्डिंग्स, जैसा कि वो एक मंत्री जी का मैं सुना था नितिन गडकरी, वो कह रहे थे कोई भी सोसाइटी बनती है तो वहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट वो कवर करते हैं इस तरह के, वहाँ पर जो प्लांटेशन का कॉस्ट होता है वो भी हम उनको पे करते हैं। तो वो कहते हैं अगर मुझे ना ग्रीनरी कहीं रोड्स पे नज़र आई तो वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं और कोर्ट में भी लेके जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये देखने में, मुझे यहाँ पे आई है नज़र दिखी है कि यहाँ पे बेसिकली आपको ग्रीनरी भी मिलेगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ, साइबर सिटी जितनी भी दिखाई है उसके साथ रेजिडेंशियल भी है। अब वो फ्लैट्स जो हर आम जनता के लिए, ये जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए है वो सारा, ये मुझे अगर कन्फर्म कर दे कन्फर्म कमेंट सेक्शन में तो क्या ही बात होगी। बोल दो यार मुझे रिएक्शन देना जो है ना वो तकरीबन बहुत अच्छा लगता है, मगर इस वीडियो की खासियत ये है कि मुझे तो थोड़ा शायद वो बोल नहीं थे रिप्रेजेंट इस तरह की है, मुझे बोरिंग, मुझे नींद आना शुरू हो गई आप देख सकते हैं। और दूसरा ये कि यार बड़ी मेट्रो का सीन आया बीच में, वो गुजर रही थी मेट्रो, वो बहुत ही प्यारी थी। ऑल दो गुरुग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त सिटी है,
वहाँ पे बेसिकली साइबर सिटी भी है और दूसरे बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, और जो तो कमर्शियल जितनी भी हैं, पता नहीं ये कमर्शियल एरिया ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि कमर्शियल एरियाज में अगर रेजिडेंशियल भी साथ साथ है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो पता नहीं आपका क्या कहना, आप बताइएगा। और सीन देखने में जो मिल रहे थे बीच में, वो जो लोगों के आम घर भी थे, वो भी उस तरह जो बिल्डिंग की तरह बने हुए थे, 3 फ्लोर, 4 माले, 5 माले, इस तरह करके वो मैंने बीच में देखे हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, वो अच्छी सी वीडियो लेके आते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।